दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अशोक एजुकेशन अब देसी भाईचारा पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए फिर एक हरियाणा से संबंधित नई अपडेट लेके आया हूँ। एचएसएससी से जुड़ी हुई अपडेट लेके आया हूँ। कलर्क भर्ती से संबंधित नई अपडेट लेके आया हूँ कि आपका जो स्क्रूटनी का जो लिंक है वह विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। तो अब आपको अपने स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करने हैं और अपना फार्म फिल करना है, उसकी पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो जो विद्यार्थी इस चीज़ से इंटरेस्टेड है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि भविष्य में आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक को पर क्लिक करके इस फार्म को भर पाओगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे फार्म भरना है और कहाँ से आपको लिंक मिलेगा, इसकी यहाँ पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, एचएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक डाल दिया गया है। यहाँ आपको scrutiny.co.in ये सब टाइप करना होगा। जैसे ही आप इसको टाइप करोगे तो तुरंत प्रभाव से जो लिंक है वह ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। यहाँ आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का लोगो भी देख पाओगे। दोस्तों, इसके बाद नीचे यहाँ आपको क्विक लिंक दे रखे हैं, ये दो लिंकों का आपको उपयोग करना है। सबसे ऊपर वाला जो लिंक आपको दे रखा है, यहाँ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन विभाग की तरफ से दिया गया है। तो नीचे जो ऑप्शन है ये एडमिन लॉगिन का है। यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करना है। यहाँ एचएसएससी की टीम को अगर इस साइट पर कोई काम करना होगा तो इस पर वर्क किया जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर क्लिक करोगे, नई टैब आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगी। यहाँ सबसे आप ऊपर वाइट अक्षरों में देख पाओगे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कलर्क एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1। दोस्तों, हरियाणा कलर्क का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 के लिए स्क्रूटनी ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन होने हैं उसकी प्रोसेस यहां जारी कर दी गई है। विभाग ने अपना लिंक एक्टिव कर दिया है। यहाँ आपको सबसे ऊपर फर्स्ट कॉलम में अपना रोल नंबर टाइप करना होगा और इसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना होगा। जैसे ही आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देते हो, तुरंत प्रभाव से आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपना फार्म भर पाओगे, नेक्स्ट स्टेप पर आप पहुँच जाओगे। दोस्तों, आपको ये पूरी प्रोसेस मैं हैवी करके दिखाता पर अभी एसएससी का लिंक पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। इस वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा कि आपको फार्म कैसे भरना है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। जैसे ही विभाग की साइट चालू हो जाएगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप में हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे इस फार्म को भरना है। और मैं सभी विद्यार्थियों से ये भी कहना चाहूँगा, जब तक आप इस वीडियो को नहीं देख लेते हो आप अपना फॉर्म फिल नहीं करोगे। अगर गलती से आपने इस फार्म में कोई भी कॉलम गलत भर दिया तो उसका पछतावा आपको बहुत ज़्यादा होगा। आप जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होनी है उसमें आप भार भी हो सकते हो, तो उसका जो भी अर्जाना होगा स्वयं आपको भुगतना पड़ेगा। उसका कोई भी दोषी नहीं माना जाएगा। किसी भी साइगर कैफे पे जाने से पहले या आप खुद फिल करते हो तो खुद फिल करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख ले। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको कितने DPI में डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, रंगीन स्कैनिंग करनी है, ब्लैक एंड वाइट करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। अगर वह वीडियो जैसे ही बनती है, बनते ही हम अपने चैनल अशोक एजुकेशन अब देसी भाईचारा पर उसको अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के तुरंत बाद उसका लिंक है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ भी आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख पाओगे। दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ी खबर है हरियाणा कलर्क वाले विद्यार्थियों के लिए कि 7 जनवरी से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने हैं पंचकूला के अंदर ताऊ देवलाल स्टेडियम के अंदर। तो दोस्तों, जैसे ही वेबसाइट चलती है आपको फार्म की पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। फिलहाल आपके लिए यही एक अपडेट लेके आया था। बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।